तो आज हमने बनाई है मिस्सी रोटी स्टफिंग वाली, एकदम परफेक्ट बनी है। और साथ में मैं सर्व कर रहा हूँ दाल मखनी, मिर्च का अचार। आपको मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ क्या स्टफिंग भरी हुई है मैंने अंदर प्याज वगैरह की, और एकदम सॉफ्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, अगर देखना चाहते हो तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं मिस्सी रोटी एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम बना रहे हैं मिस्सी रोटी। तो मिस्सी रोटी बनाने के लिए मैंने 2 कप आटा लिया है, 1 कप बेसन लिया है। इसको अच्छे से साथ में मिक्स करते हैं और कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1/4 हल्दी लिए मैंने, 1 छोटा चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया साबुत, 1/4 ही मैंने अजवाइन लिए क्रश करके, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी है, इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, ये ज़रूर डालिए। थोड़ा लिया धनिया फ्रेश। स्टफिंग में मैं इसमें प्याज भरूंगा, मैं साथ में अनील कुंद्रा, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना है ठाकुर जी को, तो इसलिए मैं आटा अलग कर रहा हूँ स्टफिंग, बाद में मैं प्याज वाली बना लूँगा आपको दिखाऊँगा। 1/4 कप मैंने दही लिए और थोड़ा सा डालते इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी अच्छी तरह से, और स्वाद अनुसार नमक, अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं और इसका एक डो तैयार करते हैं पानी लगा के। दही और मिक्स घी के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसको। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटा एक लगाते हैं, ना ज़्यादा टाइट होगा ना ज़्यादा लूज होगा। आटा गूंदने में मेरा 1 गिलास के करीब पानी लगा, 1 गिलास से कम लगा है, और इतने में मेरा आटा गूंद जाएगा। अच्छी तरह से इसको गूंद लेते हैं। आटा मैंने गूंद लिया, थोड़ा सा उस पर घी लगा लेते हैं या तेल लगा लीजिए जो भी आपने लगाना है, और ढक के रख देते हैं थोड़े 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए। स्टफिंग जो हमने प्याज की बनानी है उसको भी बना लेते हैं। 3 फाइन चॉप प्याज लिए हैं, तो उसमें डालते हैं 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पिंच भर में हल्दी डाल रहा हूँ, 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच ही गरम मसाला है, और थोड़ी सी डाल रहा हूँ काली मिर्च। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। अभी मैंने नमक नहीं ऐड करा, जब मैं स्टफिंग भरूँगा तब ऐड करूँगा, नहीं तो ये पानी छोड़ देंगे, फिर मिस्सी रोटी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होएगी। स्टफिंग भी हमारी तरह से रेडी है, बस आटा रेस्ट हो ले फिर हम इसकी मिस्सी रोटियाँ तैयार करेंगे। 15 मिनट हो गए रेस्ट करे हुए, तो थोड़ा सा इसको नीट आउट कर लेते हैं 1-2 मिनट। बिल्कुल परफेक्ट है ये, उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। जितने साइज़ की हमने रोटियाँ बनानी हैं, यानी कि मिस्सी रोटी बनानी है, अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं छोटे छोटे। ऐसे में सभी पेड़ी बना लेता हूँ, पहले मैं ठाकुर जी की बना लेता हूँ प्लेन, उसके बाद फिर स्टफिंग वाले बनाएंगे। अब रोटी बेट लेते हैं, मैं रोट आट पेड़े पे लगाया थोड़ा सूखा आटा,
उसको चपाती को बेल लेते हैं। चपाती हमारी बेल गई है फर्स्ट क्लास। तवा रख दिया मैंने गैस पे, चलते गैस की साइड। तवा हमारा गर्म हो गया है तो अपनी मिश्री रोटी को डालते हैं और सेकते हैं इसको। जब तक ये सेक रही है हम दूसरी भी तैयार कर लेते हैं। ऐसी ये भी हमारी बेल गई है, चलते हैं गैस की साइड। नीचे से सिक चुकी है तो पलट लेते हैं। ऊपर से लगाते हैं थोड़ा सा तेल, या आप घी लगाना चाहो तो घी लगा सकते हो। नीचे से ये भी सिक गई है तो पलट लेते हैं इसको और थोड़ा सा घी के साथ इसको सेक लेते हैं। नीचे से सिक चुकी है, इधर से भी सेक लेते हैं। ये भी सिक चुकी है तो निकाल लेते हैं उसको और दूसरी सेक लेते हैं। इसको भी पलट लेते हैं, दूसरी साइड भी तेल लगा लेते हैं। नीचे से ये भी सेक गई है, दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं अच्छी तरह से। ये मिस्सी रोटी भी हमारी तैयार हो गई है तो दूसरी रोटी के ऊपर घी लगा के सर्व करते हैं इसको गर्मा गर्म। एकदम सॉफ्ट बनी है, बहुत बढ़िया बनी है। अब हम तैयार करते हैं अपनी मिस्सी रोटी स्टफिंग। ये स्टफिंग के लिए प्याज हैं, इसमें मैंने नमक मिक्स ऐड नहीं करा था नमक, तो थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हैं। और थोड़ा सा डालना उसमें सूखा आटा, या अगर ये पानी छोड़े तो वो आटा हमारा उसको सोख ले। एक पेड़ा लिया है, थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं, हल्का सा बेल लेते हैं उसको। भरते इसमें थोड़ी स्टफिंग प्याज की, एक से ढाई चम्मच के करीब, और सील कर देते हैं इसको अच्छी तरह से। सील वाला पोर्शन हम नीचे रखेंगे और उसको बेल लेते हैं सूखा आटा लगा के। ये भी हमारी बिल चुकी, चलते हैं इसको तवे की साइड और मिस्सी रोटी तैयार करते हैं। ऐसे में दूसरी भी बेल लेता हूँ इस टाइम भर के। स्टफिंग भरने भर ली है, इसको बनाते हैं। नीचे से ये भी सिक गई है तो इसको भी तेल के साथ या घी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। दूसरी साइड भी थोड़ा सा। नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, क्या बढ़िया बन के आई है। इसको निकाल लेते हैं और दूसरी वाली भी इसी तरह हम बना लेते हैं। नीचे से ये भी सिक चुकी है, ऊपर से थोड़ा तेल लगाते हैं, इसको भी सेक लेते हैं अच्छे से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा जिस तरह से मैंने ये मिस्सी रोटी बनाई है। सभी रोटी हमारी तैयार हो चुकी हैं तो इसको सर्व करते हैं। सर्व के लिए रेडी है, साथ में मैंने रखी है दाल मखनी और पराठे में लगा रहा हूँ मैं घी, सॉरी मक्खन, और एकदम परफेक्ट हमारे मिस्सी रोटी तैयार हुई है।